का प्रकोप पूरे देश भर में फैला हुआ है नहीं अब यह वायरस तिरुपति बालाजी मंदिर तक भी पहुंच चुका है आपको बता दें तिरुपति बालाजी में तमाम इंतजाम किए जाने के बाद भी कोरोना से बचा नहीं जा सका अब तक तिरुपति बालाजी ट्रस्ट के 140 से ज्यादा लोग इसकी चपेट में आ चुके हैं इनमें चौहदा पुजारी शामिल है जानकारी के मुताबिक मंदिर में लगातार केस बढ़ने के बाद दर्शन बंद करने के लिए कर्मचारी संगठन दबाव बना रहा है लेकिन ट्रस्ट मंदिर के दर्शन बंद करने के लिए तैयार नहीं है दरअसल अनलॉक के बाद तिरुपति बालाजी का मुताबिक से, से, से शुरू हुई लेकिन मंदिर में कोरोना का असर देखते हुए अब भीड़ कम हो रही है अभी रोज आठ से नौ हजार श्रद्धालु दर्शन कर रहे हैं वहीं अब मंदिर में दर्शन बंद करने की मांग की गई तो ट्रस्ट तैयार नहीं हो रहा है वही राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने भी आंध्र सरकार से मांग की है कि स्थिति को बिगड़ने से पहले जरूरी कदम उठाने चाहिए इस बात पर ट्रस्ट के अध्यक्ष का कहना है कि मंदिर में स्थिति अभी नियंत्रण में है इसलिए मंदिर फिर से बंद करने का कोई मतलब नहीं है जो कर्मचारी पॉजिटिव आए हैं उन्हें क्वारंटाइन किया गया है सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस आइकन फॉर मोर अपडेट्स